इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, आप अपने एक ही एडसेंस से मल्टीपल अकाउंट्स को ऐड करना चाहते हो यानी कि लिंक करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। जैसे कि आपके पास एक एडसेंस अकाउंट है और आप दूसरे चैनल को उसी एडसेंस अकाउंट से लिंक करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। इसके लिए आपको वीडियो को फुली वॉच करना होगा और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को लाइक करना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस चलते हैं वीडियो करते स्टार्ट। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक ही एडसेंस से दो चैनल को कैसे लिंक कर सकते हो। तो इसके लिए अब आपको अपने YT स्टूडियो पे क्लिक करना होगा। जैसे आप YT स्टूडियो पे क्लिक करते हो देन यहां पर लाइक कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहां पर नीचे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, देन यहां पर आपको लास्ट में एक अर्न का ऑप्शन देखने को मिलता है, देन इस पर आपको क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो यहां पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन रिव्यू बेस्ड टर्म और सेकंड ऑप्शन साइन अप फॉर गूगल एडसेंस और थर्ड ऑप्शन गेट रिव्यूड। तो यहां पर जैसे कि मैंने फर्स्ट ऑप्शन को कंप्लीट कर लिया रिव्यू बेस्ड टर्म, जैसे इस पर आप क्लिक करते हो देन इसकी आपको सारे टर्म्स को रीड कर लेना होगा। देन उसके नीचे आपको एक टिक लगाना होगा, एक कॉलम आपको दिखेगा, जैसे उसमें आप टिक लगाते हो देन उसे आपको डन कर देना होगा। जैसे आप डन करते हो देन ये आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, यहां से आप मल्टीपल अकाउंट को लिंक कर सकते हो। देन उसके नीचे यहां पर आपको स्टार्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देन इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करते हो यहां पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन यस आई हैव एन एडसेंस अकाउंट, बस मेन पॉइंट यही है दोस्तों। जैसे कि यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा यस आई हैव एन एडसेंस अकाउंट, इसका मींस ये होता है जैसे कि आपके पास एडसेंस अकाउंट है तो यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं मेरे पास एडसेंस अकाउंट है, मैं दूसरे चैनल्स को यहां पर लिंक करना चाहता हूं, तो यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना, देन यहां पर नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, देन इस पर आपको क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के यहां पर आपको कुछ समय लिए वेट करना, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब यहां पर आपको ईमेल्स देखने को मिले, अब यहां पर आपको उस ईमेल्स को सिलेक्ट करना जो ईमेल्स के आपके पास एडसेंस अकाउंट है। जैसे मैं यहां पर उस ईमेल को सिलेक्ट कर लेता हूं, उस ईमेल को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको कुछ समय लिए वेट करना होगा। जैसे आप कुछ समय लिए वेट करते हो देन यहां पर आपको टोटली डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। सेम यहां पर इस तरह से आपको भी डिटेल देखने को मिल जाएगी, यहां पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना होगा। देन यहां पर नीचे आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्ट एसोसिएशन, देन इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको कुछ समय लिए वेट करना, जैसे आप कुछ समय लिए वेट करते हो देन ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा, देन यहां पर आपको रिडायरेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, देन इस पर आपको क्लिक करना। जैसे आप रिडायरेक्ट को क्लिक करते हो देन यहां पर आपका जो सेकंड ऑप्शन था वो दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहां पर आपको कुछ समय लिए वेट करना होगा। सो गाइस जैसे आप रिडायरेक्ट को क्लिक करते हो यहां पर लाइक कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहां पर आपको देखने मिलेगा यू हैव सक्सेसफुली लिंक्ड एंड एडसेंस अकाउंट, यानी कि जो आपका एडसेंस अकाउंट था वो सक्सेसफुली हो चुका, आपका एडसेंस अकाउंट लिंक्ड हो चुका है। अब यहां पर आपको लास्ट ऑप्शन देखने मिलेगा गेट रिव्यूड, यानी कि जो आपका यूट्यूब चैनल होगा वो अब आपका रिव्यू के लिए जा चुका है। जैसे रिव्यू वहां से कंप्लीट हो जाता देन यहां पर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ बता दिया दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना।